इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला पीस कर तैयार करेंगे। इसके लिए लिया है मैंने 1 टेबल स्पून पीली वाली सरसों, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून काली मिर्च, 1 टी स्पून लिया है मैंने जीरा और 10 से 12 लहसुन की कलियां लिया हुआ है। तो चलिए अब हम इसे पीस कर तैयार कर लेते हैं। हम इस सभी मसाले को डालेंगे जार के अंदर। अदरक को हम कट करके डालेंगे ताकि पीसने में सुविधा हो। ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। मैंने मसाला के अंदर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए इसे डालते हैं एक बाउल के अंदर। अब हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, इसके अंदर डालेंगे 4 टेबल स्पून चना का बेसन। स्वाद के हिसाब से नमक डालेंगे, 1/4 टी स्पून हल्दी पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा हींग डालेंगे, 1 टी स्पून भर के पिसा हुआ मसाला डालेंगे, थोड़ा सा मैं और डालूँगी, 1 टी स्पून आमचूर पाउडर, साथ ही इसमें डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से पानी और इसका गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी तरीके से घोलकर मैंने इसका बहुत बढ़िया सा गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका पतला पेस्ट नहीं बनाना है, गाढ़ा पेस्ट ही बनाकर तैयार करना है। तो चलिए अब हम अरबी के पत्ते के ऊपर लगाकर इसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम एक सब्जी कटर ले लेंगे, इसके ऊपर डालते हैं एक अरबी का पत्ता। अरबी के पत्ता के डंठल को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कट कर लिया हुआ है और इसे अच्छी तरीके से धो के साफ़ करने के बाद इसके पानी को पोंछ लिया है। तो चलिए अब हम इस पत्ते के ऊपर डालते हैं जो मैंने बेसन का पेस्ट बनाकर तैयार किया है, उसके ऊपर डालेंगे और इसे चारों तरफ अच्छी तरीके से लपेट कर तैयार करेंगे। पत्ते के ऊपर बेसन को अच्छी तरीके से लपेटने के बाद अब हम इसके ऊपर से डालेंगे दूसरा पत्ता और इसके ऊपर भी बेसन डालकर हम बेसन को चारों तरफ अच्छी तरीके से फैला लेंगे। इस तरह मैंने 5 पत्तों के ऊपर बेसन लपेटकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फोल्ड कर लेते हैं। अच्छी तरीके से दबाते हुए इसका राउंड शेप बनाकर तैयार करना है, रोल बनाकर तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने इसका एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे साइड में रखते हैं और दूसरा रोल बनाकर तैयार करते हैं। सेम तरीके से इसे भी बनाकर तैयार करना है, 5 पत्तों के ऊपर डालना है, 4-5 जितने भी आपकी इच्छा हो उसके ऊपर बेसन डालना है और उसे तैयार करना है। मैंने दोनों अरवी के रोल को बनाकर रेडी कर लिया है। तो चलिए अब हम स्टीमर प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। प्लेट को ग्रीस करने के लिए सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसे चारों तरफ फैला लेंगे। यहाँ कढ़ाई में पानी भी बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम स्टीमर को डालते हैं कढ़ाई में। प्लेट को कढ़ाई में डालने के बाद इसके ऊपर से डालेंगे अरवी के पत्ते का रोल। रोल डालने के बाद अब हम इसे ढक देंगे, ढक के इसे हाई फ्लेम के ऊपर 8 से 10 मिनट तक कुक करेंगे। 10 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद आप देख सकते हैं चक्कू जो है बहुत ही आसानी से पत्ते के अंदर चला जा रहा है, इसका मतलब है ये अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के लिए हम इस पत्ते को, इस रोल को निकालेंगे और प्लेट में डाल देंगे और इसे पंखे के नीचे डाल देंगे ताकि ये फटाफट से ठंडा हो जाए। अब ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। तो चलिए हम इसे पलट देते हैं। पलटने के बाद हम इसे कट कर लेंगे, मोटा पतला जिस भी शेप में कट करना हो उस तरीके से इसे कट करके तैयार कर लें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से कट होकर रेडी हुआ है और कितना बढ़िया इसका शेप बना हुआ है। तो चलिए हम सारे रोल्स को कट करके रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे सारे रोल्स को कट करके रेडी कर लिया है। कढ़ाई भी हल्का गर्म हो चुका है। तो चलिए हम कढ़ाई में डालते हैं 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। तेल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम डालेंगे इन टिक्कियों को और फ्राई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर जब ये एक साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे पलट देंगे।
मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर जब ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तब हम इसे निकाल कर एक बाउल में डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से टिक्की फ्राई होकर रेडी हुआ है। तो चलिए सेम तरीके से हम बाकी के बचे हुए टिक्की को भी फ्राई कर लेते हैं। सारे टिक्की को फ्राई करने के बाद अब हम इसी बचे हुए तेल के अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, 1 टीस्पून पंचफोरन। फोरन जब अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए तब हम डालेंगे पिसा हुआ मसाला, 4 टीस्पून हींग डालेंगे और इस मसाले को तेल छूटने तक अच्छी तरीके से भूनकर तैयार करेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर मसाला को अच्छी तरीके से भून के तैयार करने के बाद आप देख सकते हैं मसाला से तेल छूटना शुरू हो गया है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं स्वाद के हिसाब से नमक, साथ में डालेंगे गर्म किया हुआ पानी। जिस तरह की ग्रेवी रखनी हो गाढ़ी पतली उस हिसाब से पानी डालेंगे। ग्रेवी के अंदर जब एक अच्छी सी उबाल आ जाए तब हम गैस के फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे और इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 मिनट उबलने के बाद अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ टिक्की, इसे मिक्स कर लेंगे। टिक्की डालने के बाद अब हम इसे ढक देंगे, ढक के इसे 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे। 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करने के बाद अब ये सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और इसके अंदर डालेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का जूस। गैस के फ्लेम बंद करने के बाद डालना है नहीं तो यह कड़वा हो जाता है। नींबू का जूस डालने के बाद अब हम इसे सर्व कर देंगे। मैंने इसे चावल के साथ खाने के लिए बनाया है। अगर आप रोटी के साथ खाने के लिए बना रहे हैं तो ग्रेवी को जो है गाढ़ा रखेंगे। वैसे भी ये ग्रेवी जो है जैसे जैसे ठंडा होगा वैसे ये हल्का गाढ़ा हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर बेसन का इस्तेमाल किया हुआ है ना, इसलिए। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मैंने सब्जी को सर्व कर दिया है। प्लीज़ इसे एक बार मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।